हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें भी। वैसे ये केक काटने का प्रोग्राम तुमने रात को क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुछ इस तरह, कसम से। And you can't afford to miss them, है ना? मिस तो तुमने कर दिया है। क्या? अच्छा मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट कहाँ है? तुमने बहुत दर्द हुआ होगा ना? थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने पेन किलर का काम किया। हाँ, अगर तुम्हारा नाम पुष्पांजलि लक्ष्मी होता तो ज्यादा दर्द होता। अब मेरा गिफ्ट का है? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, स्कूबा डाइविंग सूट। तुम फिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, तो मुझे लगा क्यों ना तुम उनकी दुनिया एक्सपीरियंस कर लो। चलो अभी पहनकर देखो, लेट्स गो स्कूबा डाइविंग। अरे नहीं नहीं, तुमको तो पता मुझे पानी से प्रॉब्लम है, और वैसे भी पानी बहुत ठंडा है आज। अरे गोपाल, कोई डूब रहा है। गोपाल, पानी कैसा था, ठंडा या गरम? किसी ने धक्का मार दिया मुझे। और अबे अबे, धक्का तो तुमने दिया है मुझे। ये क्या है? इसलिए तुम्हें दर्द नहीं हुआ ना? शुरू शुरू में हुआ था, बहुत दर्द हुआ था, मैंने कोशिश की थी, उसके बाद फिर मैंने स्टिकर लगा लिया क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखना चाहता था। और तुम खुद स्टिकर की तरह लड़की से चिपक गए। तुम नहीं सुधरोगे। एकता, एकता, ये एपिसोड तो भारी पड़ गया। शट अप, बहुत हो गया। पानी गले के ऊपर चला गया है। गले से नहीं सर, सर के ऊपर। शट अप सावंत, द बॉस इज ऑलवेज राइट। वो देखो क्या है, हाँ? जैसे लोटे लोटे से सागर बना है। सर बूंद बूंद से। शट अप गोपाल, द बॉस इज ऑलवेज राइट। यस सर। वैसे ही फिश फिश से मेरी यानी कि बबलू पच्चीसिया की एक गोल्डन फिशरीज बनी है, और आज मुझे क्या पता चला, दैट वी आर गोइंग टू लॉस, और वजह तुम लोगों की लापरवाही। तुम लोग मुझे सड़क पर रख दोगे, मुझे क्या बना दोगे? वो दर्जी का कुत्ता, न घर का न स्कूल का। नहीं नहीं नहीं, गलत बोले, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। सर शट अप जी, द बॉस इज ऑलवेज राइट। यू नो, मैंने फाइंड आउट किया है कि हमारे पुराने स्टाफ में से कुछ लोग फिश और लॉबस्टर की चोरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीटर और पाली ने अपनी गली में अपना खुद का स्टॉल खोल लिया है, प्रॉन्स कॉर्नर। इसलिए मैंने फैसला लिया है। नहीं सर, सर कंपनी मत बेचिए सर। सर अगर कंपनी बिक रही तो मैं SMS कर देता हूं। यू मिस्टर सुबोध, मेरा जब तक तब तुम्हारी उंगलियां चलती रहती हैं, तुम्हारी पूरी पगार तो SMS में चली जाती होगी। व्हाट वाज आई सेइंग, हां, आई एम गोइंग टू फायर द ओल्ड स्टाफ एंड हायर न्यू पीपल। सारे के सारे वेजिटेरियंस, ना रहेगी बास, ना आएगी बदबू। करेक्ट। लेकिन सर, अनएक्सपीरियंस लोगों को काम पे रखेंगे तो? नो मोर डिस्कशंस। तुम और गोपाल स्टार्ट ट्रेनिंग फ्रेश न्यू टैलेंट। कोई पुट्टा नहीं चाहिए। स्टाफ फिट होगा, कंपनी हिट होगी, एंड दैट अप्लाइज टू द थ्री ऑफ यू। गुड नाइट, गुड नाइट सर। सुना गोपाल, द बॉस इज ऑलवेज राइट। शाम तक नए रिक्रूटमेंट स्टाफ की लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए। मेक इट क्विक, और इससे दूर रहकर। सुना, बॉस इज ऑलवेज राइट, शाम तक लिस्ट चाहिए। रेडी है सर। ए हेलो, लिस्ट मैं दे दूंगा, आप रात में माल के साथ पार्टी हैं? कौन सा माल? ओ बेटा, कौन सा माल? जिसके साथ बी वॉच का लौंडा बने मछली डांस कर रहे थे। डॉक का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। बोलिए। इंस्पेक्टर माधव सिंह घाई, आपकी तारीफ। हर कोई करता है। गोपाल कुमार संतोषी,
नाइस मीटिंग। क्या है कि हमारे इन्फॉर्मर्स ने हमको बताया कि आप लोग मछलियों के साथ कोकेन और हेरोइन भी एक्सपोर्ट करते हैं। इट्स प्रॉफिटेबल पर इट्स इलीगल, है ना? मुझे लगता है आपके ये जो इन्फॉर्मर्स हैं, अच्छा, ये सब ये ड्रग्स लेते होंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, चलिए। मैं जाऊंगा पर आपके शिप की पूरी तरह से छानबीन करने के बाद। सर्च वारंट है? सर्च वारंट दो साहब। साहब देना साहब। क्या? सर्च वारंट भूल गया, सॉरी साहब, भूल गया। तो इसको क्या नाना नानी पार्क समझकर जॉगिंग करने आए थे? नहीं। चलो निकलो। देखिए आप एक पुलिस ऑफिसर हो, मैं आऊंगा वापस। अगर आई गेट बैक। अरे सर की पप्पी किसको दे रहा है? मैं बॉल लेके आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यू बी रेडी? समझे? से क्यों लेते हो? निकलो यहाँ से। गेट योर साइड एवरीबॉडी। चलिए इधर साइको। छोड़िए सर, वैको। निकलो सर, छोड़ो। पागल पागल है। ये स्टाइल है तुम्हारा वो? यू नो आज मिसेस भुजवाला की पार्टी है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आने वाले हैं मुझे वहाँ, और हमेशा की तरह I want to look different, you know. Come on, John. Lucky, you know something? Miss India contest में मेरी direct entry हुई थी। लेकिन उससे पहले मेरी शादी हो गई। मेरे husband ने कहा इस contest में participate करने की तुम्हें क्या जरूरत है? Because you are different. Ahyan? Lucky, तेरी वाली जिम से निकल चुकी है। तू तो दुनिया को लुक देता है, तेरे को लुक दे रही है। तू जाके बात क्यों नहीं करता है? करना करना। ये भी सही है, जब उसका पता चलेगा कि तुम्हारा स्पीकर फटा हुआ है ये लुक भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। अबे लकी, आग तो तुम दोनों के बीच लगी है, धुआं उधर क्यों निकल रहा है? या उधर इसी को तो कहते हैं लकी का नया बर्न्ट लुक। बर्न्ट लुक? बर्न्ट लुक। इसे देख के सब जल जाएंगे पार्टी में। ओह नो। ओह यस, क्या दिख रही है आप? नहीं नहीं, क्या दिख रही है आप? माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ब्यूटीफुल, ऑसम। मेरा तो फेस ही ऐसा है जिस पे कोई भी हेयर स्टाइल सूट होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ यू आर डिफरेंट। अबे तेरे को अकल नहीं? क्या किया तूने? क्या किया तूने? बाहर चला दिया क्या करता है? फिक्र मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ। रिलैक्स, आप होल्ड माय हैंड। मैं हूं, रिलैक्स रिलैक्स। आए अरे लकी, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? ओ आ ए आ आए। क्या तेरी जीजू को हेयर कट चाहिए? हां, पिछले हफ्ते तो लिया था। ए ओ ओ आ आ आ ओ आ ओ आ ओ यू यू। Like this. Ah, wah, wah, wah. Arch, keep your arm up. Look up. गोपाल, ये सब क्या लगा रखा है? भावरी होगा बेबी, पता नहीं तुमको रोज तो पेपर में छपता है। एक्चुअली मेरे कंपनी के एमडी ने सब अनफिट लोगों को निकाल दिया है, अब मुझे तो फिट रहना पड़ेगा वरना आई लूज माय जॉब। ट्रेनर भी लड़की मिली तुम्हें?
गेट आउट, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे एकता ये मिस्टर गोपाल, काम दिमाग से होता है, बॉडी बनाने से नहीं। और सुन लकी, नो हेयर कट, नहीं तो बोलती बंद कर दूंगी तेरी। सच तो ये है कि यू वांट टू बी फिजिकली फिट, क्योंकि तुम्हें अपने फिजिकल रिलेशनशिप्स का टीआरपी बढ़ाना है। ए जीजू के चमचे, चलो यहाँ से। भाभी क्या हुआ? अपने भैया से पूछ। भैया क्या हुआ भाभी को? सीरियल, एक्स्ट्रामैरिटल, टीआरपी, जिसने भी इसकी बहन का नाम एकता रखा ना, करेक्ट रखा है। ए क्या बालकट। अच्छा भैया मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? फ्रेंड के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। ईशा, जितनी कॉफी तुमने कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड के साथ पी है ना, उतने की हम लोग कॉफी शॉप खरीद लेते हैं। कल अपने फ्रेंड को घर बुलाओ। ठीक है भैया, मैं कल ही बुला लूंगी। थैंक यू, बाय। ऐसे कैसे चलेगा जिगना? हमारा तो काम ही फिश, क्रैब्स और लॉबस्टर्स को एक्सपोर्ट करना है, और तुम इन्हें टच करने को भी तैयार नहीं हो। ये सब मामले में मैं थोड़ी टची हूँ सर, यू नो आई एम प्योर वेजिटेरियन सर। जॉब चाहिए तो यू हैव टू डू दिस। भाभी जी, आप यहाँ? गोपाल के फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई हूँ। आई वांट टू गिव हिम अ सरप्राइज। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसे टच करो। प्लीज सर, आई कांट डू दिस। कम ऑन जिग्ना, तुम अपने बॉस की बात नहीं मानोगी? तुम इसे टच करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो एक काम करो, अब तुम अपनी आंखें बंद करके इसे छू लो, डर निकल जाएगा। ओके ओके, चलो कम ऑन कम ऑन। कैसा लग रहा है? गुदगुदी सी हो रही है। देखा, और तुम ऐसे ही डर रही थी। लेकिन लेकिन सर, अगर अगर मेरे फियांसे को पता चला कि मैं ऑफिस में ये सब कर रही हूँ तो मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी सर। जिग्ना, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं थोड़ी चाहूंगा कि किसी की शादी टूटे। कल फिर से ट्राई करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस से। ओके ओके सर। कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे गोपाल। अरे एकता, हाँ वो बेचारी को नौकरी की। शट अप, निहीर बिरानी और बालिया के कदमों पे चलने लगे हो तुम। ये लोग कौन है? डोंट चेंज द टॉपिक गोपाल। और कितनी जिग्नाओं के साथ अफेयर है हाँ तुम्हारा, बोलो। सुबह शाम यही करते हो ना ऑफिस में, जो लड़की मिली शुरू हो जाते हो। अरे मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास ना, बोलो। अरे लेकिन शेम ऑन यू गोपाल, शेम ऑन यू। अरे शट अप, अब जो मैं बोलूंगा वो तुम सुनोगी। सर सर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है सर, कल से मैं ठीक से काम करूंगी। एकता, अरे एकता, बताइए। सरप्राइज देने आई थी, सरप्राइज लेके जा रही है। 100% जायज आपका गुस्सा, लेकिन इतने नालायक नहीं अपने गोपाल सर। मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ कुड़ी देखी वहीं पुड़ी बांधना चालू। भाभी जी, देवता हैं दिल के, टोटल देवता हैं दिल के, कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखते, जब भी देखते हैं पूरी नज़र से देखते हैं। तकदीर वाली हैं आप, हीरा पाया है हीरा, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग ठरकी का टाइटल दे रखा जी, गोपाल ठरकी। देखिए ना कनुप्रिया का मैसेज, ठरकी गोपाल नहीं। भाभी जी, भाभी जी, ये गलत है सर, आप शादीशुदा हो, मेरी भी मंगनी हो चुकी है, आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का हो सकता है। रिश्ते बनाए नहीं जाते, बन जाते। माना कि मैं शादीशुदा हूं जिग्ना, लेकिन मेरी सांसें हमेशा तुम्हारी वजह से चलती। लेकिन सर, एक सेक्रेटरी के साथ? तुम मेरी ऐसी वैसी सेक्रेटरी नहीं हो, पर्सनल सेक्रेटरी हो, पर्सनल। गोपाल की गाड़ी? हाँ ये तो गोपाल की है। अरे ये तो गोपाल की गाड़ी। हाँ, लग रही है। गोपाल की गाड़ी। And you know the difference between secretary and personal secretary? No, sir. Secretary says good morning, sir. And personal secretary says it's morning, sir. लेकिन सर, मेरा मंगेतर। वो गया तेल लेने। Okay. और आपकी बीवी? वो? वो इस वक्त किसी इडियट बॉक्स के सामने बैठकर कोई इडियट सीरियल देख रही होगी। वो भी गई तेल लेने। क्या गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, स्टेपनी यूज करनी पड़ी।
स्टेपनी, पहली बार सच कह रहे हो? मतलब? स्टेपनी का फिगर 3624. बैकसीट को सुहागरात के बेड की तरह सजाया है? अरे यार, ऑफिस में किसी की डेथ हो गई थी, फ्यूनरल पे गया था फूल लेके. छी, अपने अय्याशों के लिए अब लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है तुमने. 15 मिनट लेट हुआ हूँ. 15 मिनट में क्या अय्याशी कर सकता हूँ मेरी माँ? तू बोल. ए लकी, खबरदार अपने मुंह से एक वर्ड निकाला तो. शेम ऑन यू गोपाल, पूरा शहर तुम पे थूक रहा है. सारे पड़ोसी तुम्हारी गाड़ी और गाड़ी का नंबर जानते हैं. देख लिया उन्होंने तुम्हें लवर्स पॉइंट पे. उस छिपकली के साथ फेविकॉल की तरह चिपके हुए थे तुम. छिपकली? सब तुम्हें ठरकी बुलाने लगे हैं. ठरकी? कौन बोला मुझे ठरकी? सुबोध ने. सुबोध? उसको तो मैं उसको. क्या हो रहा है? ये तो हमेशा होता रहता है. चलो उसको डीप फ्रीजर में डालकर 10 साल पुरानी बबल के साथ 20 साल के लिए छोड़ दूंगा. उसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर उसके ऊपर मैं हजारों जहरीले केकड़े छोड़ दूंगा. फिर भी उसको अकेला जाने नहीं दूंगा. उसका मैं आधे आधे तो क्या बोला? आधे आधे तो हाँ तू ही करना. तुम एक दूसरे को जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ मैं इस पागल को. चल निकल यहाँ से. तुम पागल हो और मुझे पता है तक नहीं. अरे नहीं यार, भूखा नंगा चलेगा, लंगड़ा लूला चलेगा, लेकिन एक और शक्की पागल इस घर में नहीं चलेगा. किसको शक्की बोला? अरे यार पहले इससे तो निपट लूं मैं. बहुत चल चल ए पागल, निकल यहाँ से. मारने के तरीके तो तू दिखा रहा था मैं पागल है. तू पागल. छोड़ मुझे. भैया भाभी का गुस्सा मैच से क्यों निकाला? ठरकी, तेरे को कुछ बोलना है? ए या ए आओ ए आओ आई ए ओ ओया ए ओए. पूरे खानदान का दिमागी संतुलन हिला हुआ लगता है. सब ठीक हो जाएगा. बात करो. नहीं पुलिस को बुलाइए. ठीक है एक मिनट. बोला पुलिस को. बुला 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 पुलिस को. उंगली तोड़ने की बात करता है. पुलिस के सामने तेरी उंगलियां काट कर समुद्र में बच्चों को खिला दूंगा. छोड़ एक मिनट गोपाल, मैं बात कर रहा हूँ ना. एक मिनट रुक जाओ. जब देखो इसके पीछे पड़े रहते हो जान ले लोगे कैसे. तो कम ऑन बैक टू वर्क एवरीबॉडी. जाओ चलो यहाँ से. खड़े होकर तमाशा देख रहे हो. चलो रुक जाओ. चलो बीवी के नाम से कांपता है. अबे छोड़ ना. भीगी बिल्ली बना रहता है. यहाँ पर शेर बन के उछल रहा होता है. आ रहा है सब. तो फिर से आ गया. वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से किसी की मारने की सोचो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसकी मदद करने में. सच वारंट दे, सच वारंट दे. अबे ला ला सच वारंट. अबे तूने मेरे जोक बुक का पेज फाड़ के दे दिया. नहीं साहब, आप सही कह रहे थे. इसका दिमाग आउट है. अबे फूले हुए रसगुल्ले. दैट्स अ गुड वन. अपने साहब को बोल ये सी क्वीनशिप का वारंट है जो इस वक्त श्रीलंका में. ये क्या पढ़ लू रेबिन. अरे झिंगे की नहीं यार, रात की फाइल दे. हेलो गोपाल को फोन दो. यस मैम. एक्सक्यूज मी सर, योर फोन. स्पीकर ऑन करो. हेलो. आज का प्रोग्राम क्या है, बैक सीट या फ्रंट सीट? Don't start again. You start off, Gopal. भूल गए? तुम्हें घर पे शाम 7:30 10 मिनट पहले पहुंचना था. बेबी ठंडे दिमाग से. अरे चोरू का गुलाम, बीवी के नाम से कांपता है. वहाँ तो भीगी बिल्ली बना रहता है, यहाँ पर शेर बन के उछल रहा होता है. एकता, मैं तुम्हारा डेली सोप नहीं हूँ जो रोज शाम को 7:30 बजे घर पे टेलीकास्ट हो जाए. क्या देख रहे हो तुम लोग, काम करो. छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ.
भाई साहब, क्या हो रहा है? कहाँ पतेंगे? ओ सॉरी, गलत आ गया। नहीं, बचाओ, बचाओ। लगा तो नहीं। अरे अरे, मेरी गाड़ी को क्या किया यार? थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माय लाइफ। वेलकम। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरी भी खराब हो गई है। अब क्या करेंगे? यहाँ तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, अब मेरे दोस्त का यॉट है यहाँ, वहां चल के कुछ अरेंजमेंट करते हैं। छोड़ो ना मैनी। ईशा उठो ना, कितनी कॉफी पिलाओगे? ईशा, ईशा, भाभी, भाभी, क्या हुआ? वो गोपाल अभी तक घर नहीं आया, रात के 1 बज गए और उनका मोबाइल भी बंद है। और आप मुझे अभी उठा रहे हो? आयो। लगता है बारिश होने वाली है, थोड़ी देर यॉट में रुक जाते हैं। आइए। कुछ लेंगी आप? इले मतलब? नथिंग, थैंक यू। टीवी? I can't do this. What's wrong? It's okay. No, I cannot do this. Ayo! What happened? I'm scared from the dark. Don't worry, I'm here. Huh? Injector? लड़की ने अपने घर वालों के बारे में बताया था उनको, जरूर उस लड़की के फियांसे ने मारा होगा उनको। मारी निकला पकड़ा पकड़ी रखता था। ताई चलो तेरे तले नहीं चलो तारी चल। अरे ना मार, अरे ना मार।
मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है ना कि तेरी जीजू नहीं रहे। आ, आ, तुझे यकीन करना पड़ेगा। लकी क्या ढूंढ रहे हो? अपनी जीजू की एक फोटो दीवार पे लगाने के लिए? मेरे पास उनकी सोलो स्नैप है। Hi, hold the gun. Baby! Ooh, Miss Kisha, where's the dead body? What dead body? मैं किसी dead body को नहीं जानता। गोपाल की dead body. गोपाल मर गया? I'm really sorry यार। कहाँ है dead body? कहाँ है उसकी? तुम ही तो गोपाल की मौत की न्यूज़ लेकर आए हो। तुम्हें पता होना चाहिए dead body कहाँ है। Dead body news? मैं कोई टीवी चैनल हूँ, मुझे क्या पता? लकी ने बोला। लकी ने बोला? ये तो मुझे देखते ही डर के भाग गया था। तुमने अपने जीजू को मार दिया। नहीं 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 नहीं। आप जब आप टेक बी बी केयरफुल भाई। आप बता। ये आया ये होया हुआ ओ ए ए ये कह रहा है कि गोपाल है, गोपाल है, गोपाल है। मारा नहीं साला। लेकिन तुम रात के 3 बजे यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो? मैं रात के 3 बजे यूनिफॉर्म में क्या कर रहा हूँ? अरे तुम्हारी पूरी फैमिली का मानसिक संतुलन हिल चुका है। तुमने तो फोन करके बुलाया था मुझे। अरे हाँ, भाभी इतनी इमोशनल हो गई थी ना। लेकिन भैया अभी तो क्यों नहीं आए? हाँ बोलो। ये तो ब्लू क्रॉस स्ट्रीट पे डेड बॉडी मिली है साहब। डेड बॉडी मिली है? गोपाल की है? नहीं नहीं साहब, आपका लक इतना अच्छा नहीं है। डेड बॉडी किसी और की है। बस अब जल्दी पहुंच जाओ। ईशा, इमरजेंसी, मुझे जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। हाँ, क्या न्यूज मिली है तुम्हें? ब्लू क्रॉस स्ट्रीट पे एक डेड बॉडी मिली है। किसी और की है यार। क्रेजी फैमिली। साइको किलर का केस लगता है साहब। डेड बॉडी की सारी उंगलियां टूटी हुई है। लगता है इसने किलर की बहुत उंगली की होगी। अरे उंगली से मुझे याद आया, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। हाँ। पोस्टमार्टम भी कराना है। सारी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। हाँ। किलर को पकड़ेंगे, धोएंगे, पकड़ेंगे। इसको तो अभी नेल कटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पगले, तू अभी भी शौक में है? गोपाल वापस नहीं आएंगे। मैं कोई तुलसी या पार्वती नहीं जिसका पति जल के वापस आ जाए। अरे भैया आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? एक रात को मैं बाहर कह रहा हूँ, तुम लोग पूरी रात बाहर? यही सुनना बाकी था। गोवा के कौन से रिसोर्ट में अपना मुंह काला करके आए? किसकी गोद में मेंढक की तरह फुदक कर आए हो? हा? अरे यार, कल रात को एक हादसा हो गया था। हाँ हाँ, बना लो एक अच्छी खासी कहानी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, एक बेचारी अबला नारी पर कुछ गुंडे टूट पड़े। हा? इस
इज्जत बिज्जत बचाई और उसने तुम्हें अपना मुंह बोला भाई बना लिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ? वो कल रात को मैं रस्ते से जा रहा था और एक बेचारी अबला Ask for forgiveness, my son. Yaad rakho, behind every successful man, there is a woman. But behind every unsuccessful man, there are 2, 3, many more. Bhaiya, who's this other woman? Arre yaar, koi nahi hai. Kal raat ko main tumhare sawalon se pareshan ho gaya. Isliye maine apna mobile band kar diya. Phir mera ek dost mil gaya school ka. To main uske ghar chala gaya. Hum sari raat baatein karte rahe pate. Naam kya hai? Gopal. उसका अकबर एंथनी गोंसाल्वेस। मैंने पहले कभी इस दोस्त के बारे में नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, मतलब इतने सालों से नहीं सुना। रहता कहाँ है वो? अभी जाने दो। एड्रेस बताओ। मच्छी तालाब डॉकयार्ड लेन प्रॉन्स कॉर्नर के सामने डोर नंबर 420। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। शक मत करो। Forgive her, God. She believes him. Oh.